This is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor, and coach for alternate law. मेरे साथ है CA Rishabh Arora. Right. Again, इसका जो journey रहा है, that has been a marvelous journey. From 333 to 515. Now you can understand 333 मतलब both group दिए और both group देकर मैं fail हो गया. Right? Both group मैंने दिया और both group देकर मैं fail हो गया. अच्छे वाला fail हो गया. I'm rejected. एंड उसके बाद ये बंदा बाउंस बैक करता है और बाउंस बैक करके 515 नंबर ले आता है. यू नो ही ऑलमोस्ट गॉट अ रैंक. एक्चुअली इसका रैंक था, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि लास्ट टाइम से एक सब्जेक्ट में एग्जम्पशन आ गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कुड नॉट क्लेम अ रैंक. अदरवाइज ही वाज वन ऑफ द रैंक होल्डर्स. राइट. सो कैसे अचीव किया भाई तुमने? इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो बच्चे आपको सुनना चाहते हैं. मैं आपके आपके सामने बच्चों के क्वेश्चंस रखूंगा एंड आपको मुझे उनके आंसर्स करने हैं. श्योर सर. सबसे पहले जब 333 आया आपके, आपने मार्कशीट खोली, यू हैव गॉट द 333 मार्क्स, आपने उस चीज को कैसे टैकल किया? सो बेसिकली माय फर्स्ट रिएक्शन, आई वाज प्रीटी अपसेट. आई वाज ज़ोन्ड आउट फॉर लाइक 2-3 आवर्स कि हुआ क्या है. एंड एक्चुअली आई हैड अ स्टडी बडी. तो जो डिफरेंस था मार्क्स में, हमने सेम क्लासेस ली थी, सब कुछ सेम पढ़ा था. तो जो डिफरेंस था, दैट वाज अ मेजर मेजर डिफरेंस ऑफ 100 मार्क्स आई गेस. तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट और ज़्यादा था कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरी ऐसी क्या मिस्टेक्स थी. तो जिस दिन मेरे को जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, तो जैसे ही डे पास हुआ, देन आई रियलाइज के अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. जैसे आपकी वीडियोज में भी आपने बोला था कि व्हाट नेक्स्ट आपकी हमेशा रहती है, तो नेक्स्ट स्टेप अब मेरा क्या होगा. तो देन आई रियलाइज, मैंने टाइम लिया. आई वुड लिटरली टेल एवरीबॉडी दैट आई क्राइड फॉर लाइक 10-15 मिनट टू गेट आउट, टू वेंट आउट एवरीथिंग. फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले तो पेपर्स बनवाए. तो मैंने आपको अपनी क्लासेस में दिखाए भी थे पेपर्स. तो उससे आपने प्रेजेंटेशन का बताया था कि प्रेजेंटेशन में गड़बड़ है, उस पर वर्क करना है. फिर कुछ चांसेस थे, कुछ इंस्टीट्यूट की भी गलती थी, लेकिन ठीक है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते. तो फिर मैंने दोबारा मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स थे जिसमें सबसे कम नंबर आए थे, वो ऑडिट लॉ एंड इसका था. इसका मैं गॉट 22. So then I took classes for all the three subjects again, and that was the best part, I guess. Had I done alone, अपने आप अगर मैं करता तो वो और ज़्यादा दिक्कत होती. एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता. मैंने आपका 5-day बैच लिया था जो दिल्ली में आपने रखा था 2018 के लिए, जो आपने अगस्त में रखा था. तो 5 days each मैंने ये सोच लिया था कि यहाँ से क्लास से करने के बाद घर जाके भी 5 days में entire subject I have to complete. सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट. जो तीन सब्जेक्ट्स मैंने क्लास ली, FIR मेरा एग्जाम था, तो एट अ प्लस पॉइंट कि मेरे को SFM से स्टार्ट करना है. और SFM और DT2 ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत वास्ट है, तो SFM से स्टार्ट करने के लिए जो FIR के लिए हम एक हफ्ता रखते हैं, वो मैंने SFM के लिए रखा था. तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था. और मेरे को इस चीज़ की कोई रिग्रेट नहीं है कि रैंक नहीं आया, वो कोई दिक्कत नहीं है. दी अल्टीरियर मोटिव था कि CA बन गए, वो बन गए. मेरे को जब मेरा रिजल्ट अभी आया, तो उसके बाद लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि 515 है, रैंक नहीं है, रैंक है, रैंक है. जब मैं पास हुआ तो मैंने सोचा ही नहीं कि रैंक आनी है नहीं आनी है. जब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली मेरे को लगा यार काश आई जाती, लेकिन कोई बात नहीं. बिकमिंग अ CA दैट वॉज मच इम्पॉर्टेंट दैन गेटिंग अ रैंक. एंड आपका FIR तो ठीक है, वो तो हो ही गया था सर. SFM के लिए, SFM में भी मेरी एग्जेम्पशन से 4 नंबर कम थे. सो आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. देखो था कि अगर ऑडिट लॉ में पिछली बार की तरह कम नंबर आए, तो आई नीड अ सब्जेक्ट जो मेरे को ग्रुप क्लियर करवा रहा है. मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा 515 स्कोर आ भी सकता है. तो वो भी अ मोमेंट ऑफ जॉय था. मतलब दैट टाइम ऑल्सो आई हैड टीयर्स इन माई आईज़ कि भाई क्या, मतलब इट वॉज अ ऑसम मोमेंट. तो फिर आपका ऑडिट लॉ की जो मैंने क्लासेस ली थी, आपकी जो बुक है, मतलब मैं अभी सर ने पूछा नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जो बुक है वो बहुत हेल्पफुल है. आपकी ऑडियोस जो ऑडियो क्लिप्स हैं, तो मेरा पूरा फोकस उसी पे था. 360 पेजेस की बुक्स एंड ऑडियो क्लिप. आई हैड गॉन थ्रू द एंटायर बुक 4 times एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. 4 times था, क्योंकि वो इजी इसलिए था, मैं पहले ऑडियो क्लिप सुनता था फिर मैं पेजेस फ्लिप करता था. अगर मैं अपने आप पेजेस फ्लिप करने लगूँ तो मेरे को एक 5 page के चैप्टर में 50 minutes से घंटा लगेगा, लेकिन ऑडियो क्लिप 10 minutes की सुनने के बाद वो 15-20 minutes में हो जाता है. एंड वेरी अचीवेबल, क्योंकि वो एक तो ईजी लैंग्वेज में आपका सारा, और एक थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 360 पेजेस की एक पूरी बुक होना. आपको हमारा जो मेन रहता है एग्जाम्स में, एक दिन जो पहले होता है एग्जाम से, एक दिन पहले
उसमें कितना कर लेते हैं जो मैंने अपने दो अटैम्प्ट में जो मैंने देखा है. पहले अटैम्प्ट में मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ पाया था जितना मैंने पहले पढ़ा था. तो वो चीज़ मैंने इस टाइम इम्प्रूव करी थी कि जो मैं उतना ही पढ़ूँ जितना मैं एक दिन में कवर कर सकता हूँ ताकि पेपर में मैं उसको अप्लाई कर सकूँ. इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर सिलेबस आई फोकस्ड ऑन 80% or 90% ऑफ इट. लेकिन उसको इतने अच्छे से किया था कि अगर वहाँ से आया तो कुछ नहीं छोड़ना और फिर जो बाकी होता है वो आप तुक्के मार ही सकते थे. इतना तो हो ही जाता है कि तुक्के मार के हम कर लें. देन आई स्कोर 58 and 59 इन ऑडिट टू लॉ. सो लॉ का पेपर इस बार वैसे ही टफ आया था दोबारा से आपको ही पता है. लेकिन टेस्ट सीरीज़ का भी फ़ायदा हुआ था. टेस्ट सीरीज़ जो आपने ली थी जो आपकी टेस्ट सीरीज थी अपना मेंटोर की, मैंने 100 marks वाले टेस्ट सीरीज लिए थे और जो छोटे वाले थे लिए थे लेकिन आई कुड नॉट अपीयर फॉर इट. मैं दे नहीं पाया था फॉर द रीज़न कि मेरे को 7 subjects करने थे और आपका सिर्फ 3 subjects का वो था मेरे लिए, FR नहीं लिया था. लेकिन वो 100 marks का जो था वो बहुत हेल्पफुल था. लॉ का पेपर तो आई कुड नॉट, मतलब मैं बैठा, मैं रीड करना स्टार्ट किया, मैं गिव अप. मैं कहाँ से आ गया पेपर ये, अगर पेपर आई वॉज डिस्कसिंग विद द फ्रेंड ऑफ माइंड कि अगर ये पेपर आ गया तो भाई बच्चे इस बार भी फेल हो गए. और मेरे को था ये पेपर आ गया, मैंने आपको उस टाइम मैसेज भी किया था कि ये पेपर ऐसा मतलब काफ़ी अच्छा बना. तो ऑडिट और लॉ में मैंने, और लॉ में स्पेशली मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो सेक्शन हैं उसके जो एक्सेप्शन पार्ट होता है ना हर सेक्शन का, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है. जो आप पार्ट पूरा सेक्शन पढ़ रहे हो आखिर में एक एक्सेप्शन होगी, उसे बच्चा छोड़ देगा, उसे देखेगा नहीं, और वहीं से क्वेश्चन. इस बार भी पेपर में हर सेक्शन में जो नीचे एक्सेप्शन होते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी सारे. और आपका जो पेपर था उसमें भी ऐसे ही. तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम जब रीड किया, जब ये पेपर मैंने अटेम्प्ट किया उसके बाद मैंने फिर एक्सेप्शन वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि उसमें एक तो वो होती थी जो आपकी क्या लिमिट्स होती हैं कि इतने डेज के लिए या इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. डायरेक्टर्स में करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 के ऊपर, उनसे क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं. तो उस पर फिर फोकस किया था मैंने. ये चीज़ें ग्रेजुअली मेरे को 2 attempts लग गए समझने में. लेकिन अगर इस चीज़ को हम करके चलें और आपकी जो ऑडियोज और वो है उनको फॉलो करें तो ये इट इज़ प्रिटी मच अचीवेबल. जो लॉ का है, लॉ का पार्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं. और मेरे हिसाब से आपकी दोनों बुक 360 pages की सेल्फ मतलब मोर देन सफिशेंट है दोनों बुक्स. क्योंकि पेपर से एक दिन पहले आप लॉ कितना पढ़ सकते हो और वो भी 360 की बुक में भी आपका 250-200 तो आई गेस कॉर्पोरेट लॉ है और 50 वो एलाइड लॉ है. मैं उसमें भी 2 chapters छोड़ के गया था क्योंकि वो करना भी मुश्किल था. लॉ को आपको अटेन भी करना होता है, रिटेन रख करना पड़ता है, तो वो भी टफ था. लेकिन मैंने उसे कर लिया था जैसे भी कर. उसके बाद आपने जो 360 पेजेस की बुक थी उसमें फोकस करा, रिविजनली वॉइस क्लिप्स, रिविजनली ऑडियोस, वो तो रेगुलर करते हैं, वो तो यूज करा, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी और आप शेयर करना चाहते हो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर अदर सब्जेक्ट्स. SFM के लिए तो सर यही है कि वो तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. तो अगर आप FR कर रहे हो तो वो एक हफ्ता तो पहले FR का गए तो आपको या तो उसे कंडेंस करना पड़ेगा. मेरे केस में वो चीज़ नहीं थी कि मेरे को कुछ मतलब अपने नोट्स बनाने पड़े समरी नोट, क्योंकि एक्चुअल में बहुत वास्ट है. मैंने संजय सराफ सर के नोट्स रेफर गए थे तो इट वाज अराउंड 1200 pages. अब 1200 pages को आप एक दिन में नहीं कर सकते. डेरिवेटिव इटसेल्फ इज़ फॉर 400 pages, तो वो पॉसिबल नहीं है. मेरे पास तो था टाइम, मैंने कर लिया. और SFM स्कोरिंग है एक्चुअली में, क्योंकि टीचर्स भी बोलते हैं कि सारा PM से ही आता है. तो अगर उस सब्जेक्ट पे हम अगर एग्जेम्पशन लें फिर FR में भी आता है. तो ऑडिट लॉ में अगर कम भी होता है तो हमारा एक ग्रुप तो एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगा. बाकी ऑडिट के लिए रही तो सर जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे को. जो अपने ऑडिट में एक्चुअली मैंने अपने इसमें 2 attempts में मैंने सारे सब्जेक्ट दोबारा लिए, मतलब 2 classes लिए. सो एक और पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, चॉइस ऑफ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैंने ऑडिट भी आपसे दूसरी बार लिया, लॉ भी दूसरी बार लिया, DT मैंने दूसरी बार लिया, IDT मैंने दूसरी बार लिया. IDT बेसिकली मैंने लिया नहीं, जो टीचर थे उनकी ऑडियो क्लिप्स और जो वीडियोज़ होती है यूट्यूब पर उनको रेफर करके पढ़ा, विशाल बत्तर सर ने उनसे वो करा था मैंने. फिर SFM भी मेरे को मैंने सोचा था दोबारा ले लूँ क्योंकि इतना वास्ट तो नहीं ले पाया. वैसे एक FR ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने दोबारा नहीं लिया, इसका भी दोबारा लिया मैंने. जिनसे पहले पढ़ा था तब 22 आए थे और अब 68 आए हैं. सो बहुत मेजर डिफरेंस था. बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मतलब फर्स्ट ग्रुप के लिए. सेकेंड के लिए मैंने आपको बोला भी था कि आप निकाल देना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो दूसरे टेस्ट सीरीज़ हैं वो इतने मेरे को कंपेटिटिव नहीं लगे कि वहाँ से करके कुछ हो रहा है. एग्जैक्टली PM कॉपी कर रखी थी
तो उसका कोई यूज ही नहीं है, इससे ज़्यादा पी एम रेफर कर ले, 3 घंटे वेस्ट कर, मतलब दोबारा लिख, कोई पॉइंट ही नहीं मिलता। और लॉ का सर बताई दी मुझे, बस आप बताइए अपने। राइट, सो अब नाउ वी कैन शेयर विद द अदर सब्जेक्ट्स, वी कैन गो एट इट, वी कैन शेयर रिगार्डिंग द अदर सब्जेक्ट्स। जो भी आपने किया भाई, 333 टू 515 इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन सारे सब्जेक्ट्स करा होगा। करेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर व्हाट वुड बी, डीटी के अंदर आपने क्या किया, आईटी के अंदर आपने क्या किया, कॉस्टिंग के अंदर क्या किया, एंड स्पेशली यस द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स विल लाइक टू नो अबाउट इसका, कि इसका के अंदर देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ मार्क्स, सो डेफिनेटली दे विल लाइक टू नो अबाउट इसका, इसका में क्या किया आपने। इसका के लिए तो सर बेसिकली जो मैंने क्लास ली थी वो सुनील सेठी सर है मेमोरी क्राफ्ट से, तो वहाँ से क्लास ली थी मैंने। और उसका प्लस पॉइंट ये था कि जितने भी पॉइंट थे, मतलब जो इसका में जो मेजर जो मैटर करती है चीज़ वो है पॉइंट्स। अगर आपको पॉइंट्स से आते हैं, अंदर का कंटेंट आप फिर भी लिख सकते हो, लेकिन वो पॉइंट्स जो हैं, वो पॉइंटर्स, वो एग्जैक्टली जो पीएम में लिखे हुए जो इस मॉड्यूल है वो एज इट इज़ वो ही होना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स नहीं हैं तो फिर हम हमारे मार्क्स। और मैंने एक चीज़ और करी थी इसका में, जितने भी क्वेश्चन थे 6 मार्कर जो था, मैंने मेक श्योर किया था कि उसमें पाई चार्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग बना के सर्कल, इट्स लाइक आई मेड अ सर्कल एंड रोट द जो क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, सो आई रोट डाउन बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड गेव मैनी एरोस। जो पॉइंटर्स थे मैंने वो पूरे एक पेज का यूटिलाइज करके वो किया, देन मैंने वहाँ से फिर पॉइंटर स्टार्ट किए कि बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग इज दिस एंड ऑल्सो मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है, तो 1 लाइनर फॉर दैट। मैंने ये चीज़ें मेक श्योर करी थी कि वो हर क्वेश्चन में मैं पुटअप करूँगा, क्योंकि इस बार फेल नहीं होगी। दैट इज अगेन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन हर सब्जेक्ट, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, आप जो प्रेजेंटेशन, जैसे ऑडिट की मैं बात कर लूँ, तो वो जो मैंने आपको पेपर दिखाया था उसमें बहुत पुअर थी, तो उस पर मैंने वर्क किया। जो आपने क्लासेज में बताया था, जो पॉइंटर्स, जैसे आपने अदर मिसकंडक्ट के लिए बोला था कि ये एक पर्टिकुलर लाइन है आपको अदर मिसकंडक्ट में लिख के आनी है, आई डोंट रिमेंबर दी एंटायर लाइन, लेकिन एक अदर मिसकंडक्ट के लिए थी। प्लस जो प्रोफेशनल एथिक्स वाले जो थे आपके, जो CA एक्ट वाले क्वेश्चन हैं, उसमें आखिर में अगर वो सेक्शन 21 रेफर करना कि अदर मिसकंडक्ट होगा वो सब, तो वो भी बहुत उससे इम्प्रूव होता है, लगता है कि सामने की चीज़ें आती हैं। और वो 4 पार्ट में डिवाइड करना, वो शायद मैंने पिछली बार नहीं किया था, पहले इशू बताना, फिर प्रोविजन इन्वॉल्व, देन द कंक्लूजन, तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं एक्चुअली में आपके मार्क्स की कंट्रीब्यूशन की, कितना आप स्कोर करें। एंड फाइनली विल यू लाइक टू शेयर एनीथिंग अबाउट डीटी, आईटी एंड कॉस्टिंग? डीटी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे मार्क्स आए मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पेपर वॉज डैम टफ, बहुत ज़्यादा टफ था वो। और अब आप इसे कह लो कि इंस्टीट्यूट की अच्छी बात थी कि वो मार्क्स आए हैं, एग्जेम्पशन आए हैं स्कोर 65, लेकिन मेरे को पता है उस एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन जो था सर, वो इंडिया, इस बार इंडेक्स से बहुत सारी चीज़ आई थी, ऑल्दो ओल्ड कोर्स में इंडेक्स नहीं है, तो हर सब्जेक्ट में इंडेक्स का कुछ ना कुछ पार्ट था। ऐसी डीटी में क्या हुआ, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जो 6-7 सब्जेक्ट थे, डीटी हमारा होता है 7 सब्जेक्ट, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था जो मुझे नहीं आता था, तो मैंने पीछे से करना स्टार्ट किया। तो जो आपका बार बार बोलते कि जितना आता है उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए, एक्चुअली मेरे माइंड में घूम रहा था भाई पेपर मेरे लिए नहीं, सबके लिए टफ है, जितना आता उतना कर ले, और वही मैंने उस पर फॉलो किया। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता था मेरे को कंपलसरी, और वो छोड़ा था बिल्कुल, इंडिया का था, एक चीज़ भी नहीं आती थी, तो जितना मेरे को आता था मैंने उस पर फोकस करके उसको, क्योंकि मेरे को पता था 10 नंबर का आता नहीं, उसका टाइम बचेगा तो बाकी पे टाइम इन्वेस्ट कर लेता, तो वहाँ पे जो चीज़ें मेरे को आती थी उस पे मैंने सब लिख दी, ताकि इसमें स्कोर हो जाए तो शायद पास हो जाए। IDT के लिए सर I had referred the entire module, बहुत अच्छा मॉड्यूल है जो इंस्टीट्यूट का है, एंड मैं रेफर करूँगा कि वही रिकमेंड करूँगा कि वही रेफर करें सारे स्टूडेंट्स। सो DT में उन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया कि जब पेपर टफ था उन्होंने सोचा पेपर सबके लिए टफ है एंड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, एंड IDT के अंदर ICS स्टडी मैट एंड वेरी इंपॉर्टेंट था, कुछ रिविजनरी ऑडियोस एंड वीडियोस जैसे करके बताया था आपने यूज करा था। एंड कॉस्टिंग, व्हाट अबाउट कॉस्टिंग? कॉस्टिंग सर मैंने उसके लिए भी मतलब संजय सर की क्लासेस थी वो बहुत पहले, सबसे फर्स्ट क्लास मैंने कॉस्टिंग ही देखी थी, बट देन आई हैड टू टेक अ रिविजनरी क्लास आती है, 30 डे का बैच आता है, तो उससे क्या होता है कॉस्टिंग भी बहुत वास्ट है, लेकिन उन्होंने 400 पेजेस में कॉस्टिंग कंप्लीट करवा दी थी, प्लस उनकी एक बुक थी, तो उस बुक में क्या था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एंड देन एट द सेम टाइम आई रेफर्ड PM के कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे थे, तो मैं वही रेफर कर लेता था देखने के इसमें क्या होगा इसमें। प्लस कॉस्टिंग का पेपर वॉज कंपैरेटिवली इजियर, तो
उसका भी एक बेनिफिट था कि भाई पेपर इजी है तो आप अच्छे से. व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? लाइक इट वाज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स, मुझे थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके पढ़ना है या इट वाज वन सब्जेक्ट एट अ टाइम? आई हैव सीन मेनी इंटरव्यूज, तो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो यही बोलते हैं कि दो सब्जेक्ट हम एक साथ करते हैं. मेरा माय कंसेप्ट ऑफ स्टडिंग वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. मैं एक ही सब्जेक्ट लेता हूँ एंड आई मेक श्योर कि वो चार दिन में पूरा ढंग से कंप्लीट करके रैपअप हो जाए. दो में क्या होता है सर, आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो दूसरा कर रहे हो, कहीं अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो ना इसमें सेटिस्फैक्शन आ पाती ना उसमें आ पाती. तो एक टीचर हैं एल्डाइम, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, मैं वो भी आपको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ. उन्होंने एक बात बोली थी कि पेपर से पहले, जैसे पेपर में हमारे पे एक दिन होता है, वो जो उस टाइम का जो एटमोसफेयर होता है वो हमने कभी देखा ही नहीं होता. पेपर पे जब एक दिन आता है एकदम से तो हमसे वो चीज़ें हो नहीं पाती. तो उन्होंने कहा था एक रिविज़न इस तरीके से करो, कंसिडरिंग कि भाई आपका नेक्स्ट डे ही पेपर है तो आपको रिविज़न करना है. तो मैंने लास्ट रिविजन जो अपनी करी थी वो एक महीने में चार दिन में एक सब्जेक्ट किया था. इन फोर डेज आई यूज टू कम्प्लीट दी एंटायर सब्जेक्ट, भले ही वो डी टी हो, एस एफ एम हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा टारगेट था पूरा ए टू जेड कवर करना और ख़त्म किया था मैंने. तो फोर फोर डेज करके ऑडिट तो बहुत आसानी से हो गया था. मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, ऑडिट मेरे को जब फर्स्ट क्लास की थी तब टफ लगता था, उसके बाद ऑडिट बहुत आसानी से हो जाता था. लॉ भी, क्योंकि वो जो बुक थी आपकी समरी बुक जो 360 पेजेस की है उसको रिवाइज करना बहुत इजी है. क्योंकि ऑडियो क्लिप्स के साथ क्या होता है, मैं सर आपको बताता हूँ, ऑडियो क्लिप आपका जैसे मैंने सुना, आपने उसमें सेक्शन याद करवा दिए, इस सेक्शन में, ये सेक्शन में. अब मैं जब रीड करने लगता हूँ तो मेरे को पता है आपने भी पाँच मिनट पहले इसमें क्या बोला है. तो जब मैं रीड करता हूँ तो मेरे को कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो वो जल्दी हो जाती है चीज़ें. और जो आप छोड़ देते हो वो मेरे को ही पता होता है कि पढ़ना नहीं है. अगर मैं खुद रीड करूँ तो मैं वो इररेलीवेंट पैरा पे भी टाइम लगाऊंगा, लेकिन आपने पढ़ाते हुए कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं, तो मैंने पढ़ते हुए भी अनइम्पोर्टेंट माना छोड़ दिया. एंड आप क्या 10-10 12 घंटे पढ़ते थे, 15 घंटे पढ़ते थे, या क्या हुआ था स्टडीज? सर मैं टाइम का तो कुछ नहीं कहूँगा, वो सबके ऊपर होता है. और मैंने कभी कोई ऐसे मेजर करके नहीं पढ़ा, लेकिन ये था कि हाँ दो तीन महीने डोर लॉक, मतलब घर पर लॉक था मैं बिल्कुल, कहीं बाहर नहीं जाना कुछ नहीं. बस दे वर टू थिंग दैट आई वर डूइंग दैट आई वॉज डूइंग स्टार्टिंग एंड ईटिंग. नहीं सर, मैंने एक चीज़ और बोलूँगा, मैंने ऐसा नहीं है, मतलब लगेगा अगर कोई सुन भी रहा होगा कि ऐसी फेंक रहा है पास हो गया तो, लेकिन मैंने दी एंटायर टाइम जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैंने मूवीज़ भी देखी है बीच में, थोड़ा पीस डाउन करने के लिए, अपना रिलैक्स करने के लिए मैंने मूवीज़ देखी है. लेकिन उसमें डेढ़ दो घंटे लगते थे भले, लेकिन उसके बाद मेरे को ये हो जाता था कि हाँ मैंने अब टाइम पास कर लिया, अब मैं बैक टू proper study. So that is again very important. जो आपने एल्डाइन की फैकल्टी का सजेशन दिया, that is also something very good. वो best था, वो best था. I always suggest my students, मैं भी suggest करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. आपको एग्जाम से पहले एक मॉक एग्जाम environment बनाना चाहिए. बिल्कुल. मॉक एग्जाम environment बनाना चाहिए और conceive करना चाहिए कि भाई ये मेरा एग्जाम का डे है. तो मैं तो स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ जिन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किया है कि आप एक मॉक टेस्ट का शेड्यूल रखें अपने लिए. सपोज 15 अप्रैल मेरा एग्जाम है और ये अज्यूम करें कि उसे एक्चुअल में मेरा एग्जाम है एंड बिल्कुल उसी तैयारी के साथ आप एग्जाम दें और घर में उसी डेडिकेशन के साथ 2-5 बैठकर एग्जाम दें एंड देन गेट योर पेपर्स इवैल्यूएटेड एंड सी हाउ मच यू हैव परफॉर्मड. 2-5 और व्हाटएवर मे बी द टाइमिंग्स, लेकिन पेपर देना इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मेरा जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आई कुड नॉट राइट प्रॉपरली, हाथ ही नहीं चलता क्योंकि इट्स बिन लॉन्ग. हमने स्कूल के बाद कॉलेज के बाद लिखने की प्रैक्टिस ऐसी छूट जाती है. तो जब एग्जाम्स के लिए मैं गया था सेकेंड अटैम्प में, तो आई हैड गिवन दी एंटायर सीरीज, फर्स्ट ग्रुप आपके लिए, सेकेंड के लिए बाहर से मैंने की थी, तो मैंने सारे पेपर लिखे थे. तो उससे कंपैरेटिवली बहुत आसान था, मेरे को आदत थी कि हाँ 3 घंटे में मैंने पेपर कर रखे. तो वो इम्पॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें जो हम सुनते हैं तो बार बार हमें लगता है कि ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप वो फेलियर, जब आपको फेलियर होता है, आप फेल होते हो किसी चीज़ में, तब आप रियलाइज़ करते हो जब नेक्स्ट टाइम होता है कि हाँ यार इसका फ़ायदा तो था. उस टाइम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. ओके, सो फाइनली अगर आपको बोलूँ कि वन लाइन सजेशन अगर आपको स्टूडेंट को देना हो पर सब्जेक्ट के लिए, या रैदर एक सजेशन देना हो फाइनली कि भाई जैसे आपने जर्नी अचीव करी है 333-515, तो आपके जो कलीग्स हैं जिन्होंने सिमिलर मार्क्स सिक्योर किया, इफ यू बिलीव दैट आपको उनको एडवाइस करना है कि वो भी इस चीज़ को पा सके, तो आप क्या एडवाइस करोगे? जस्ट योर फाइनल एडवाइस इन 3-4 लाइंस. सर देखो, SCA का कोर्स इट्स अ वेरी वास्ट कोर्स, 3-4 लाइन में तो कोई भी सजेशन नहीं हो सकता. जब इतने सारे टीचर्स इतने सजेशन देते हैं उसके बाद भी कंप्लीट नहीं है चीज़ें. लेकिन ये है कि आपको जो मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, जो एक रिविज़न जो मैंने करी थी 3-3, 4-4 दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैंने एक टारगेट बनाया था कि मेरे को 3 दिन में सब्जेक्ट करना है.
क्योंकि लॉ में मेरे पास 3 दिन थे लकीली इस बार, तो उस पर मैंने 2-3 दिन में जितना कर सका करके छोड़ दिया। बाकी 3-3 दिन में जो रिविजन हुई थी उससे मेरे को हो गया कि इतने टाइम पीरियड में ये वाली चीज़ें रिवाइज होंगी, तो पेपर से एक दिन पहले मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करके क्या करना। और वो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अटेम्प्ट जो मैंने दिया वो था। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरीके से करना है वो भी मैटर करता है। राइट, सो एनी मोर सजेशन यू विल वांट टू गिव, जब चाहते हो कि स्टूडेंट्स फॉलो करें उस चीज को एंड दैट कैन हेल्प देम टू एनहांस प्रेजेंटेशन के लिए सर, वो प्रेजेंटेशन तो इंपॉर्टेंट है, वो तो इसका ऑडिट एंड लॉ अगर आप कर रहे हैं, वो सेक्शन लिखना उनको, मतलब प्रॉपर जो है आपका पहले प्रोविजन लेकर इशू बताना, प्रोविजन लिखना, कंक्लूजन, वो सारा कुछ था। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, वो मैंने अपने 2 पेपर्स में ही देखा है जो डिफरेंट था। अब ऑब्वियसली क्या है, अब मैं जैसे बता रहा हूँ तो लगेगा कि पास हो गया, तो ये चीज़ें मतलब मेरे को भी जब मैं वीडियोज़ आपके देखते थे, मैं फेल हुआ था, तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट ने मेरे साथ गलत किया, वो भी चीज़ें हैं। और मैं इस टाइम ये भी बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए होंगे डीटी में, लीनियंट चेकिंग होती है, जहां इंस्टीट्यूट किसी सब्जेक्ट में नंबर काटता है तो कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी सब्जेक्ट में नंबर देता है, जैसे टफ आया था डीटी का तो लीनियंट मार्किंग हुई होगी। राइट, और मैं उस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं क्योंकि पेपर टफ था और इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हुआ था, बल्कि आईडीटी का पेपर बेटर गया था मेरा, उसमें कम आया, डीटी में ज्यादा आया, तो वो भी चीज है। रिविजन आप करो, टेस्ट सीरीज दो, और बस दैट्स इट, ये चीजें कर ली। सो अगेन व्हाट आई लाइक टू से इज दैट कि भाई स्टे कूल लाइक रेशियो, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, स्टे कूल लाइक रेशियो। जो सब्जेक्ट्स लग रहा है आपको वीक है, क्लासेस लेने की जरूरत है, वहां दोबारा क्लास लें, प्रॉपर टेस्ट अपीयर करें, हर सब्जेक्ट में यू नो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, लाइक आइडेंटिफाइड एसएफएम जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप प्लान करके आप रिविजन कैसे कर सकते हो, आप एक मॉक टेस्ट प्लान करें कि एग्जाम से पहले यू नो हाउ कैन यू गिव दैट एग्जाम एनवायरनमेंट टू योरसेल्फ। एक शॉर्ट टर्म जो डिविजन उन्होंने बताया, 4 दिन एक बार, 5 दिन एक बार, दैट वाज समथिंग वेरी फ्रूटफुल। तो ऑल दिस सजेशंस यू कैन टेक फ्रॉम हिम एंड डेफिनेटली दिस सजेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस ऋषभ, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर, राइट? एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मे 19 एग्जाम्स, विश यू, राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि आगे अगली बार और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं एंड आप सब बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो। ऑल द बेस्ट।